नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अमित ब्लॉग स्टेप में आप सभी का स्वागत है। मेरे तरफ से आप सभी को जोहार। तो चलिए दोस्तों, आज के अपने हम लोग बात करेंगे दोस्तों झारखंड पुलिस में टोटल जो वैकेंसी निकल कर रहा है 4919 वैकेंसी टोटल आप लोग का निकल कर रहा है दोस्तों। तो दोस्तों हो सकता है कि आप लोग का बाद में भी ये वैकेंसी आप लोग का इंक्रीज हो सकता है। और दोस्तों आप लोग हम जैसे आप लोग बताए थे कि फोटो सिग्नेचर वगैरह बिल्कुल आप लोग सही ढंग से आप लोग करते ही होंगे। और देखिए बहुत लोगों का फॉर्म भरते टाइम बहुत तरह से मिस्टेक भी हो रहा है, तो आप लोग ज़्यादा घबराना नहीं है। अभी आप लोग टाइम है और अभी आप लोग तैयारी पे लग जाइए, क्योंकि झारखंड पुलिस का सबसे पहले जो फिजिकल है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को तैयारी भी आप लोग को हम जैसे बताएं कि 1 तारीख से आप लोग का झारखंड पुलिस का बोकारो में हम लोग का 9C ग्राउंड में दोस्तों फिजिकल चालू होने वाला। तो दोस्तों फाइनली आप लोग का फिजिकल के साथ साथ दोस्तों रिटर्न का तैयारी भी यहाँ पर चालू हो चुका है दोस्तों। आप देख सकते हो मेरे बैकग्राउंड में बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं और एडमिशन यहाँ पर चालू हो चुका है दोस्तों। तो एकेडमी का जो सर है उससे पूछेंगे कि अभी फिलहाल सबसे पहले आप लोग का फिजिकल कोई भी प्रोसेस आप लोग का है झारखंड पुलिस का डिफेंस लेवल का जो भी वैकेंसी आता है झारखंड में, सबसे पहले आप लोग क्या होगा फिजिकल का प्रोसेस होगा, उसके बाद आप लोग का मेडिकल, उसके बाद रिटर्न। मतलब रिटर्न को आप लोग सबसे लास्ट रखा गया, उसके बाद फाइनल मेरिट आएगा। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है, फिजिकल में आपको सबसे पहले आपको ध्यान दीजिएगा, तभी आपको आगे का प्रोसेस के बारे में आप जा पाओगे, नहीं तो आप बिल्कुल नहीं जा पाओगे। तो देखिए आप लोग का सर अपना बताइएगा किस टाइप से अभी ये कहाँ पर ग्राउंड है, किस तरह से और कब से आप तैयारी चालू कर दिए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोग के लिए गुड न्यूज़ दोस्तों, जो भी किन झारखंड पुलिस का तैयारी कर रहे हो या तैयारी करना चाह रहे हो दोस्तों, मार्केट में बेस्ट बुक ढूंढ रहे हो, ऐसे तो मार्केट में आपको बहुत सारे बुक देखने को मिल जाएगा झारखंड पुलिस का। लेकिन दोस्तों आपको 2024 में अगर आपको वर्दी चाहिए दोस्तों, तो दोस्तों तक्षु प्रकाशन की तरफ से एक बुक आई है जिसमें आप लोग अच्छे और बेहतर ढंग से तैयारी कर सकते हो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस बुक का हम लोग खासियत के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अगर आप ये बुक को परचेज करते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों इस ये जो बुक है लेटेस्ट सिलेबस है दोस्तों, इस बार आप लोगों को मालूम है कि सिलेबस में चेंजिंग किया गया, पेपर वन और पेपर टू आप लोगों का रखा गया। तो दोस्तों पेपर वन में आप लोग किस टाइप से आप लोगों का क्वेश्चन आएगा, पेपर टू में किस टाइप से क्वेश्चन आएगा, सारा इसमें आपको बताया गया दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप ये बुक को परचेस करते हो तो अमेजन और फ्लिपकार्ट में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है। और दोस्तों चलिए हम लोग बात कर लेते हैं ये बुक को आप लोग अगर परचेस करते हो तो आप लोग को क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा और 2450 आपको बहुविकल्प प्रश्न देखने को मिलेगा, जिससे आप लोग एग्जाम को और भी बेहतर ढंग से तैयारी कर सकते हो दोस्तों। और इसमें आपको 2 सॉल्व पेपर भी देखने को मिलेगा, साथ ही साथ दोस्तों इसमें आपको 100% ग्रांटेड है कि इस बुक से आपको सफलता प्राप्त होगा दोस्तों। और दोस्तों आप लोग डेमो में देख सकते हो कि इस बुक का किस टाइप से क्वेश्चन है, पूरा आपको जो लेटेस्ट सिलेबस है उसी के आधार पर आपको बनाया गया। तो दोस्तों अमेजन में आप लोग का और फ्लिपकार्ट में आप लोग ये बुक को मंगा सकते हो, नहीं तो नज़दीकी दुकान से भी आप लोग मंगा सकते हो। तो दोस्तों आप लोग ये बुक को मंगवा लीजिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला। सभी को पहले जय हिंद जोहार सभी को। सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ बोकारो फिजिकल एकेडमी 9C ग्राउंड में आपका स्वागत है। और यहाँ 1 तारीख से न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है बोकारो में, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ आपका अपना बोकारो शहर में खुल गया है बोकारो फिजिकल एकेडमी 9C ग्राउंड में। आपको यहाँ फिजिकल के साथ साथ रिटर्न का भी करवाया जा रहा है, यहाँ पर तैयारी फिजिकल हम करवा रहे हैं, उसके बाद टीचर भी रखे हैं, रिटर्न का मैथ का टीचर अलग है, जीके का टीचर अलग है, हिंदी का टीचर अलग है, सबका सिलेबस का अलग अलग का टीचर यहाँ रखा गया है। और हमारे यहाँ आपको हॉस्टल का भी सुविधा उपलब्ध है और गर्ल्स एंड बॉयज़ का स्पेशल, गर्ल्स के लिए स्पेशल यहाँ हॉस्टल का सुविधा उपलब्ध है। और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अगर आप 9 बोकारो रामगढ़ कहीं कभी बचे रहे हैं, बिहार के कहीं कभी बचे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ आ सकते हैं और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आपको जस्ट गाड़ी का भी सुविधा किया गया है, पहले हम लोग एडवी में बनाए थे हम लोग ग्राउंड, लेकिन वहाँ पे गाड़ी का सुविधा ना होने के कारण हम लोग यहाँ 9C ग्राउंड पे आए हुए हैं। और आप लोग यही कहना चाहते हैं, अगर आपको फिजिकल और रिटर्न दोनों चाहिए तो हमारे यहाँ आ सकते हैं फिजिकल के लिए। अगर कोई बच्चे फिजिकल करना चाहते हैं तो फिजिकल के लिए स्पेशल हम यहाँ क्लास दे रहे हैं उनको, और रिटर्न का भी दे रहे हैं। और SSC GD वाले बच्चे को भी वो भी चाहते हैं कि फिजिकल करें तो सिर्फ फिजिकल का भी करवा सकते हैं, यहाँ रिटर्न का भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ आ सकते हैं, अपना भविष्य बना सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग एक चीज़ बता देते हैं कि कोई भी फील्ड में अगर आपको जाइए, अगर आपको कोई गाइड करता तो गाइड अगर कोई करता तो दोस्तों आप लोग का जो तैयारी है वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। इसलिए आपको जान लीजिए कोई भी आप लोग का फोर्स या डिफेंस लेवल पे अगर जाते हो, अगर आप शुरू में आपको कुछ आइडिया नहीं होते बस आप रनिंग करते हो, तो देखिए आपके अब के टाइम में आपको रनिंग करने से कुछ भी नहीं होता, रनिंग के साथ साथ आपको रिटर्न भी चाहिए, रिटर्न के साथ साथ रनिंग का टेक्निक भी चाहिए। ऐसा नहीं कि ग्राउंड में आप जा रहे हो रनिंग करो, डेली रनिंग करो, ऐसा नहीं होता, एक टेक्निक होता है, और टेक्निक के अनुसार अगर आप चल लोगे तो बिल्कुल अच्छा आपको जल्दी सक्सेस मिलता कोई भी चीज़ का, आपको मालूम ही है।
और दोस्तों देखिए अभी आप लोग का बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि भैया फोटो सिग्नेचर वगैरह में बहुत सारे लोगों का गलती हो रहा, तो आप लोग बिल्कुल फोटो सिग्नेचर अभी, और आप लोग से हम बार बार बोल रहे हैं कि फॉर्म भरते टाइम आप लोग बिल्कुल सही ढंग से भरेगा, उसके बाद आप लोग का आगे का जो भी प्रक्रिया कर पाइएगा। नहीं तो समझ लीजिए कि 8 साल के बाद वैकेंसी आता है झारखंड में, उसके बाद अगर फोटो सिग्नेचर वगैरह में अगर गलती करते हो तो आपको क्या होगा, फॉर्म डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा। बहुत लोगों का फॉर्म रिजेक्ट होता है, एक्साइज कॉन्स्टेबल का उदाहरण पे आप देख सकते हो, 1 लाख फॉर्म को प्लस आप लोग रिजेक्ट हुआ था सर लगभग। हाँ हाँ, इसलिए आप लोग बता रहे हैं टोटल अभी जिला पुलिस में अभी 6 लाख फॉर्म गिर चुका है, अभी 6 लाख फॉर्म गिर चुका है भाई, भरा चुका है, अभी अभी और भराने का बाकी है। तो मतलब एक सीट में कम से कम आपको अच्छा खासा फाइट, 500 या 1000 आदमी कम से कम एक सीट में, जहाँ तक हमको लगता है रेशियो, जिस तरह का रेशियो चल रहा है, कम से कम 400-500 कम होना ही है, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए आप लोगों को तैयारी भी जबरदस्त, देखिए आप लोग एक चीज इसमें और एक बात है, इसलिए क्योंकि पहले फिजिकल में लड़का लोग छटा जाएगा, जो पढ़ने वाला लड़का रहेगा वो ऑटोमेटिक फिजिकल में छटा जाएगा, तो कंपटीशन आप लोग का थोड़ा कटअप कम जाएगा। लेकिन यहाँ आप लोग की ऐसा गलती मत कीजिएगा कि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका रिटर्न फिजिकल मजबूत नहीं है, जो बच्चे फिजिकल मजबूत है वो रिटर्न का मजबूत नहीं है। तो इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि साथ साथ में दोनों हम लोग को यहाँ करवाया जा रहा है, आप लोग को, आप लोग आ सकते हैं यहाँ पर बोकारो फिजिकल अकेडमी 9C ग्राउंड में, आप लोग का स्वागत है। और यहाँ बेसिक से आप लोग का क्लास स्टार्ट हुआ है, अभी 1 तारीख से न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, आप लोग भी आ सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ हम लोग देख सकते हैं हम लोग का बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं अभी यहाँ पर, अभी क्लास ले रहे हैं अभी, और यहाँ अलग अलग टीचर को रखा गया है यहाँ पर हर तरह का बात यहाँ रखा जाता है यहाँ पर, हर सप्ताह में वीकली में आप लोग का टेस्ट भी लिया जा रहा है यहाँ पर कि आप कितना तैयारी में है, कितना लेवल का है वो मालूम चल जाएगा, मालूम चल जाएगा आप लोग को कितना क्या है कैपेसिटी, और नहीं चल रहा है तो आप लोग को यहाँ पर आप लोग को तैयारी करवाया दे रहे हैं। और देखिए दोस्तों आप लोग ज़्यादा घबराना नहीं, अभी आपके पास टाइम है, ऐसा नहीं कि आप लोग देखिए बस आपको घर में अगर आप सोच रहे कि रिटर्न का तैयारी कर रहे हो तो बस कुछ भी नहीं होने वाला, आपको फिजिकल का भी आपको बहुत अभी का टाइम में आपको रनिंग डेली करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मत सोचो कि 10 किलोमीटर आसानी है क्या सर, 10 किलोमीटर पॉसिबल है, 10 किलोमीटर आदमी सोचता ना कि हम एडमिट कार्ड आएगा उसके बाद हम 10 दिन से हम दौड़ना स्टार्ट करेंगे तो हम कर लेंगे, लेकिन पॉसिबल है आज की डेट पे कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि खान पानी वैसे ही नहीं मिल रहा, क्योंकि पहले का खान पान जो डाइट था ना वो खान पान में अभी सब चीज़ में केमिकल मिला हुआ है, तो एक्चुअली क्या होता है ना कि पहले का जैसा पौष्टिक नहीं मिल रहा हम लोग खाने में, इसीलिए इसी की वजह से बोल रहे हैं कि आप लोग तैयारी करना धीरे धीरे स्टार्ट कर दीजिए। अगर न्यू बच्चे हैं या तो कोई धावक है, बहुत बच्चे ऐसे भी है कि जो धावक बच्चे हैं उसका भी एक्सपीरियंस उसका भी खो देता है, क्योंकि बढ़िया 4 मिनट वाला भी लड़का दौड़ नहीं निकाल पाता आर्मी का, और 3 मिनट वाला भी लड़का दौड़ नहीं निकाल पाता, या 6 मिनट वाला लड़का 1600 मीटर वाला लड़का दौड़ नहीं निकाल पाता, लेकिन बात ये हो जा रहा है कि जो मेहनत करता है वो निकाल लेता है। देखिए दोस्तों आप लोग बता देता है कि अभी आप लोग क्या होता है कि देखिए एकेडमी वगैरह या कुछ भी आप लोग जो घर में भी अगर रनिंग करते हो, आप लोग कहीं पर भी रनिंग करते हो, अगर ग्रुपिंग बना के अगर रनिंग करोगे ना तो आपको मालूम चलेगा कि हम किस लेवल पर, तैयारी भी आपको बेहतर लगेगा कि हम कुछ तैयारी कर रहे हैं डिफेंस का। और अभी देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारा बच्चा होगा, आप लोग पढ़ाई के साथ अभी जैसे रनिंग वगैरह पूरा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप लोग यहाँ पर पढ़ाई वगैरह भी होता, तो फिलहाल अभी देखिए जो बच्चा जितना भी रनिंग कर लिया उसके बाद आपको उसके बारे में बताया जा रहा है कि किस तरह से प्रोसेस होता है, क्या होता है, उसके बारे में आपको जानकारी दिया जा रहा है। और देखिए सभी कैंडिडेट यहाँ पर अभी है, और धीरे धीरे यहाँ पे एकेडमी में बच्चा आना चालू हो चुका है, 1 तारीख से आप लोग का एकेडमी चालू हुआ, और आप लोग भी आइए बोकारो एरिया में, अगर आप लोग हो तो आप ये कीजिए, आप लोग कहीं से भी हो अगर आप लोग आना चाहते हो तो बिल्कुल आ सकते हो, हॉस्टल का भी फैसिलिटी यहाँ पर रखा गया, आप लोग इस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। दोस्तों मेरे साथ जो टीचर है वो उसको भी पूछेंगे अभी फिलहाल। अभी देखिए एक चीज़ बताइए कि 10 किलोमीटर का जो रनिंग है बच्चा पर रनिंग करता वो सोचता जैसे एडमिट कार्ड आ गया उसके बाद हम 10 दिन या 20 दिन में हम रनिंग पूरा क्लियर कर पाएंगे, क्या आसान है? 10 दिन 15 दिन में कुछ से अभी रनिंग नहीं निकल सकता, उसके लिए कम से कम आपको 3 से 4 महीना कम से कम 5 महीना का टाइम पहले से देना होगा, और आपको धीरे धीरे कोई भी चीज़ धीरे धीरे चालू होता है, आप सोचिए 1 दिन में या फिर 10 दिन 15 दिन में हम कोई भी चीज़ हम हासिल कर लेंगे वैसा नहीं होता, आपको कोई भी चीज़ में समय देना पड़ेगा, चाहे पढ़ाई हो चाहे रनिंग, आपको हर एक चीज़ में समय दीजिए, आप लोग धीरे धीरे उस पर काम करिए, फिर आप देखिए आप धीरे धीरे आगे बढ़ जाइए। आप देखो कहीं पर भी अगर आप यहाँ पर नहीं आ पाते या घर पर भी अगर रहते हो, लेकिन आपको टाइम देना ही पड़ेगा, आपको इतना जान लीजिए। और देखिए कोई भी फील्ड में आपको मेहनत तो लगेगा, 10 किलोमीटर इतना आसान नहीं है, और अभी ये लोग का भी पढ़ाई वगैरह भी यहाँ पर चला रहा है, उसके बारे में आप लोग रनिंग वगैरह के बारे में भी बताया जाता है कि किस तरह से आगे का रन आपको करना है, क्या नहीं करना, आपको क्या प्रॉब्लम होता है, सब कुछ यहाँ पर पूछा जाता है एक बारीकी से, एक एक चीज़ों का यहाँ पर।